नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 26 मार्च 2023 रविवार का दिन है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष आज पंचमी तिथि है। नक्षत्र है आज कृतिका। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर 12:38 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 5:54 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी वृषभ राशि पे, यानी आपके भाग्य भाव पे, नवम भाव पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा शाम 5:03 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों आज रचेंगे नया इतिहास, क्योंकि आज चारों तरफ से जो माहौल रहेगा सकारात्मक दिखाई देगा। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे जातकों के लिए कन्या राशि को आज बदलाव दिखाई देगा और ये बदलाव आपके लिए सफल रहेगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही बेहतर होगी। कन्या राशि को आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। माता के पांचवें स्वरूप की पूजा की जाएगी, इसलिए आज माता को लाल पुष्प, लाल वस्त्र अर्पित करें, लाल फल अर्पित करें। कन्याओं को भोजन भी खिला सकते हैं। कन्याओं को भोजन खिलाकर अगर एक फल और दो लौंग और 1 रुपए का सिक्का दे दें तो कन्या राशि को पैसा इतना आएगा कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आमदनी के कई धन के स्रोत बढ़ जाएंगे। ये बहुत ही गुप्त उपाय है जो हम आज आपके लिए बता रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से फिर कभी भी कंगाली आपके घर में नहीं रहेगी, छू मंतर हो जाएगी। कन्या राशि को आज कई बड़ी परियोजनाओं का लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से कोई शुभ समाचार मिलेंगे। जो लोग सरकार की तरफ से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनके लिए आज मौज ही मौज रहेगा। बचत करने में सक्षम रहेंगे। बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामले में लाभ होगा। साथ ही आज के दिन बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, कई उचित परिणाम देखने और सुनने को मिलेंगे। अगर किसी को उधार कर्जा दे रखे थे तो वापस मिलता हुआ नजर आएगा। आज हालांकि खान पीन की चीजों में ध्यान रखें, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, हाथ पैर में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों से कोई परेशानी थी, या फिर सपनों को साकार नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपका मन दुखी था, या फिर कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आज के दिन आपके लिए संजीवनी बनकर आ रहा है, क्योंकि आज आप रचेंगे नया इतिहास। जी हाँ, आज यानी कि इतना पैसा आएगा कि संभालते संभालते थक जाओगे। कई खुशियां प्राप्त होंगी, कई तरह के आज मौज मस्ती करते नजर आएंगे, पार्टनर के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। आज के दिन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आज कई महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं घर परिवार के लिए। जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा और खासकर शाम के बाद नई खुशखबरी प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं और आज आप किसी गरीब निर्धन को दान करें। हालांकि आज अगर आप कन्या को भोजन खिला दें, 3 कन्याओं को, तो आज आपके सारे बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, बिगड़े कार बनते चले जाएंगे और महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। और इसमें अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो उन्हें पाने के लिए आज आप प्रयास भी कर सकते हैं और ये प्रयास आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। भविष्य की योजनाओं पर काम कर सकते हैं, भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। आज के दिन आज कई प्रकार की संभावनाएं आपके पक्ष में आएगी। यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा से आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन काफी उत्तम रहने वाला है। कोई जमीन प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे काफी समय से और दिक्कतें आ रही थी, तो निश्चित तौर पे वो दिक्कतें दूर होंगी। जमीन प्रॉपर्टी में निपटारा होगा, कई तरह की समस्याएं खत्म होंगी। आज के दिन बहुत ही खूबसूरत और धन लाभ के योग बनेंगे, कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी, अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। साथ ही साथ बता दें कि आज के दिन बहुत ही खूबसूरत रहेगा, धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आज आपको किसी भी पड़ोसी के साथ सामाजिक सरोकार निभाने का मौका मिलेगा। धन आगमन, धन के स्रोत नजर आएंगे। साथ ही साथ बता दें कि आज आपके हुनर का, जो आपके अंदर हुनर है, उसे बाहर निकालते नजर आएंगे। डांस कला के क्षेत्र से जो है, संगीत या गायन के क्षेत्र से जो है, उन्हें बहुत ही लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य होगा।
और यहाँ पर जरूरत से ज्यादा काम करने से आपको थोड़ा सा थकान और कमजोरी का अनुभव कराएगा, जिससे आपको बीमार भी आप हो सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी योजनाओं में गति बनी रहेगी, आपकी कार्य शैली में जो आपका व्यापार है या फिर करियर है उसमें आपको तरक्की के योग बने रहेंगे। उचित परिणाम लेने में आज सक्षम रहेंगे, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज रचेंगे नया इतिहास, आज कई क्षेत्रों से धन का स्रोत नजर आएगा, भाग्यशाली दिन आज का रहेगा, आज आपका अटका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। वैवाहिक जातकों के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, विरोधियों को मात दे पाएंगे, आपको राजनीतिक लाभ होगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी, साथ ही सम्मान में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, कई बड़े लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी तक अगर कोई कार्य रुका हुआ था या फिर अटका हुआ था तो वो कार्य आसानी से बनेगा। साथ ही बता दें कि इसमें अगर आप व्यापार में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, तनाव से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप तनाव में थे या यूं कहें कि कई वर्षों से आपके करियर और व्यापार में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो आज इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। आज आप बिजनेस व्यापार और करियर के मामले में रचेंगे नया इतिहास, क्योंकि आज करियर में यानी कि जो समस्याएं थी, जो भी चिंताएं थी दूर होंगी और एक नहीं बल्कि कई जगहों से धन आने के योग बन रहे हैं। जी हाँ, कई जगह से धन के स्रोत नजर आएंगे और आज करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, जीवन साथी से संतान प्राप्ति के रूप में रचेंगे नया इतिहास, संतान को लेकर जो चिंताएं थी, जो परेशानियां थी वो दूर होंगी, घर परिवार में खुशहाली का वातावरण देखने को मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे और आज महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। काफी समय से चली आ रही परेशानियां दूर होगी, इनकम की बढ़ोतरी होगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्य आसानी से पूरे होंगे और कुछ चिंताएं थी, कुछ परेशानियां थी वो दूर होंगी, कई बड़े पद लाभ हो सकते हैं, कई बड़ी अच्छी यानी आज आपको खुशी खबरी मिल सकती है, प्रेम जीवन में खुशी, लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई लिखाई पर आपका मन अधिक से अधिक लगेगा, आप अपना फोकस पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई पर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ आज घूमने फिरने से बचना होगा और इंजॉय मौज मस्ती करते नजर आएंगे, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खान पीन की चीज़ों में परहेज करना होगा, बाहर की चुटपुटी चीज़ों से बचना होगा। आज आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, जमीन प्रॉपर्टी का जो समस्या था वो निपटारा होता नजर आएगा, नए घर का निर्माण करेंगे, जमीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला और डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। तो आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर गुलाबी कलर और भाग सात निवार आपका तकरीबन 89%। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा, जागेंद्र मिश्रा 07 पर। जय शनिदेव।